तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टार्ट पॉइंट से गौरव, और आ चुका हूँ आपके लिए यूके त्रिपलिसी की ओर से एक संवाद लेकर। तो दोस्तों, आज आपका है जो कि 1 मार्च 2024। तो देखिए आज क्या है, तो विषय क्या आ रखा है। तो देखिए पात्रांक संख्या 2024, तो 2224। तो देखिए आयोग के विज्ञापन संख्या जो कि दिनांक 18 जनवरी 2024 द्वारा विज्ञति युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड शासन अकादमी नैनीताल के अंतर्गत व्यायाम परीक्षा के कुल 60 रिक्त पदों पर प्रस्तावित लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, आयोग की विज्ञापन संख्या जो कि दिनांक 18 जनवरी 2024 को युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड शासन अकादमी नैनीताल के अंतर्गत व्यायाम प्रशिक्षक के जो कि 60 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशन किया गया था, जिनकी जो कि लिखित परीक्षा जो कि मार्च अंकित है। तो देखिए तदनुसार अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि व्यायाम प्रशिक्षक के कुल 60 रिक्त पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा निर्धारित तिथि 10 मार्च 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक राज्य के देहरादून स्थित परीक्षा केंद्रों में निर्धारित की गई है। उक्त पदों की लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र 5 मार्च से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए व्यायाम पर्यवेक्षक प्रशिक्षक की आपकी जो कि लिखित परीक्षा आपकी 10 मार्च को है, बाकी इसके एडमिट कार्ड जो कि 5 मार्च से आएंगे। तो देखिए एक ये सूचना है जो कि यूके ट्रिपल ए सिक्योर से, और एक देखिए आप एक बार फिर से सुन लीजिए जो कि आपका 10 मार्च को से आपका पेपर है, बाकी आपका जो कि तो देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए जो कि आपका 10 मार्च को व्यायाम प्रशिक्षक का पेपर है, बाकी इसके एडमिट कार्ड आपके 5 मार्च को आएंगे। तो देखिए ये थी एक इसकी जानकारी। बाकी बात करते हैं जो कि एक दूसरा जो कि नोटिफिकेशन आया है आपका जो कि बीपीडीओ के लिए, तो देखिए उसका भी बताते हैं आपको। तो दोस्तों बाकी ये देखिए आपका उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा जो कि 229 पदों पर सीधी भर्ती जो कि आपका 13 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित की गई है। इसके लिए आपके क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय तालिका के अंतर्गत 33 भर के उर्ध्वाधर रेंज क्षेत्र आरक्षण की तालिका निम्नवत अंकित की है। तो देखिए उसमें जर्नल के लिए कोई सीट नहीं थी, बाकी ये देखिए अनुसूचित जनजाति ओबीसी के लिए 1, बाकी 2, बाकी बात की जाए तो आपके 19 पद जो कि आपके थे, बाकी ये देखिए इस प्रकार से महिला, बाकी जर्नल की बात की जाए तो 6 पोस्ट इसमें थी उत्तराखंड महिला की थी, बाकी लड़कों के लिए शायद इसमें नहीं थी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। मिलते हैं दोस्तों के साथ, तब तक लीजिए देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।